हेलो फ्रेंड्स आज कोर्ट शो पर हम जानेंगे डीसी पावर सप्लाई से इस इक्विपमेंट को इस इक्विपमेंट वर्क कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है हम मल्टीमीटर को ऑन कर दिए और डीसी सी के रेंज पर डाल दिए हैं जब हम इसे वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है टू 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 यानी कि टू हंड्रेड ट्वेंटी टू वोल्ट वो भी माइनस में माइनस में इसलिए सो हो रहा है क्योंकि हम पावर सप्लाई में जो प्रोव लगाए वो उल्टा लगा दिए पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव में लगा दिए ये मेरा सी बल्ब है ये हमारा सीफल बल्ब है जो कि अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि 220 ट्वेंटी वोट ए पर यह वर्क करता है जैसा कि आप सब आप सब जानते हैं चलिए हम इसमें जला कर देखते हैं ये चलता है या फिर नहीं चलता है आप देख सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए अब हम इस इक्विपमेंट को चेंज करते हैं और यहाँ पर कुछ दूसरा इक्विपमेंट लगाते हैं देखते हैं वो इस पर वर्क कर पाता है या फिर नहीं करता है अब दूसरे नंबर पर हम अपने मोबाइल चार्जर को चेक करके देखेंगे ये डीसी पर वर्क कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है तो किस तरह से पता चलेगा ये इसमें वर्क कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है इसलिए हम इस ये जो मेरा बूफर स्पीकर है इसे इसमें लगा दिए हैं जब इसमें हम पावर सप्लाई देंगे तो इसमें एक एलईडी बल्ब जलेगा इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये भी वर्क कर रहा है तो चलिए सबसे पहले इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं जैसे हम इसमें पावर सप्लाई दिए है डी पावर सप्लाई आप देख सकते हो इसका एक एल बल्ब जल रहा है इसका मतलब ये डी सी पे ये भी वर्क करता है अपना जो मोबाइल चार्ज रहता है वो भी डी सी पे वर्क कर सकता है आसानी से तो चलिए अब हम तीसरा इक्विपमेंट लगाते हैं अब ये मेरा तीसरा इक्विपमेंट सोल्डिंग आयरन है सोल्डिंग आयरन में हम डीसी पावर सप्लाई देकर देखते हैं ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है तो इसे हम इसमें पावर सप्लाई दे, दे दिए हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसे टच करके देखेंगे ये हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है डीसी पर ये सारा चीज़ जल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सारा इक्विपमेंट जो ए का है जो वो डीसी पर चलेगा ही हम इस, इस चीज़ को चेक करके देखें तो ये ये चीज़ चल रहा है तो चलिए अब हम इसे टच करके देखते हैं ये हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ये हीट तो हो रहा है लेकिन बहुत कम धीरे धीरे हीट हो रहा है क्योंकि इसका जो एम्पियर है इस पावर सप्लाई का एम्पियर वो बहुत ही कम है इसीलिए यह बहुत ही धीरे धीरे हीट हो रहा है